डिमन स्लेयर चैप्टर 153। अकाजा सोचता है, इतनी सदियों में मैंने कभी भी एक इंसान को बिना बैटल स्प्रिट के नहीं देखा। यहाँ तक कि बच्चों के अंदर भी थोड़ी सी बैटल स्प्रिट होती है, फिर भी इस लड़के ने एक पल में ही खुद को गायब कर लिया। ये ऐसा था मानो वहाँ पर एक पेड़ हो जो कि वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। मेरी सेंसेस मुझे धोखा दे रही थी, मेरा कंपास कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर रहा था। पर यह भी एक प्रॉब्लम नहीं थी, युद्ध भूमि में तुम्हें हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है, भले ही वो चीज तुम्हारे साथ पहली बार क्यों ना हुई हो। मैं ये कर सकता हूँ या फिर मैं कर पाता, पर इस लड़ाई में इस लड़के को कुछ समझ में आ गया और ये मेरी सेंसेस के परे चला गया। सदियों की मार्शल आर्ट एक पल में हार गई। उन आंखों के अंदर गुस्सा या नफरत नहीं थी, ना ही वो मुझे मारना चाहती थी। जरूर उन आंखों के अंदर वो सुप्रीम टेरिटरी होगी जिसे मैं पाना चाहता था। मुझे हमेशा लगता था कि ऐसा कुछ है, पर मुझे उस पॉइंट पर पहुंच जाना चाहिए था। अकाज अपने कटते हुए सर को पकड़ लेता है। नहीं, अभी नहीं, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, मैं और ताकतवर बन सकता हूँ। तांजिरो सोचता है, उसका सर वो उसे वापस लगाना चाहता है। पर जब ही गियो उसके ऊपर अपना टूटा हुआ ब्लेड फेंक कर मारता है, अकाजा की गर्दन अब नीचे गिर रही थी। ये यहाँ पर खत्म नहीं हो सकता, मैं और ताकतवर बनूंगा, मुझे बाकियों से ज्यादा ताकतवर बनना होगा, और भी ताकतवर, और भी ताकतवर। उसका सर गायब होने लगता है। तांजिरो सोचता है, उसका सर बिखर रहा है, ये खत्म हो गया, हम जीत गए। मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मेरी मसल नम हो रही है, मैं अपनी लिमिट पर हूँ। पर उसकी बॉडी वैसी ही खड़ी थी। ग्यू हैरान था, उसका शरीर लड़खड़ा भी नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसका शरीर लड़ाई के लिए तैयार था। वो अपने बहते हुए खून को रोक लेता है और तांजिरो के ऊपर हमला शुरू करता है। तांजिरो जैसे तैसे इस अटैक को डोज कर देता है। तांजिरो सोचता है, उसका शरीर अभी भी हमला कर रहा है, उसकी कटी हुई गर्दन बंद हो गई, मेरी आंखें। अकाजा उसके ऊपर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। तांजिरो की बिल्कुल बुरी हालत थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं मर रहा, भले उसकी गर्दन कट गई हो, क्या उसके ऊपर भी कोई कंडीशन है, बिल्कुल ग्यूतारो की तरह। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका सर गायब हो गया। अकाजा कुछ बदलने की कोशिश कर रहा है, वो खुद को किसी और चीज में बदल रहा है। वो अपनी गर्दन को अपना वीक पॉइंट नहीं बनाना चाहता, बिल्कुल मुचान की तरह। ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई, मैं अभी भी। पर जब वो बेहोश हो जाता है, ग्यू चिल्लाता है, तांजिरो। ग्यू सोचता है वो बेहोश हो गया, पर ये सरप्राइजिंग नहीं है, वो अपनी हद के पार जा चुका है। अकाजा का शरीर तांजिरो की तरफ बढ़ता है, पर ग्यू भी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वॉटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड, ग्यू उसके ऊपर हमला करता है। पर जब ही अकाजा रीजनरेट कर लेता है, वो रीजनरेट कर रहा है, उसकी गर्दन कटने के बाद भी उसकी रीजनरेशन काफी फास्ट है। ग्यू वापस हमला करता है, पर इस हमले के बाद वो नीचे गिर जाता है। अकाजा तांजिरो की तरफ बढ़ रहा था, ग्यू वापस खड़ा होता है। रुको, मैं अभी भी यहाँ पर जिंदा हूँ, अगर तुम तांजिरो को मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। अकाजा को किसी की आवाज सुनाई देती है, कभी ना लड़खड़ाने वाली स्पिरिट, जो कभी भी ना लड़खड़ाए भले उसके रास्ते में कुछ क्यों ना हो। हम समुराय नहीं हैं, हमारे पास कोई भी कटाना नहीं है, पर हम अपनी कटाना को अपने दिल में रखते हैं, हम सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। अकाजा सोचता है, ये कितना बड़ा सरदर्द है। अकाजा आगे बढ़ता है, पर जब उसका हाथ पीछे से कोई पकड़ लेता है, हाकुजी-सान रुक जाइए। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। डिमन स्लेयर चैप्टर 154। ग्यू सोचता है, ये काफी बुरा है, मेरी आंखें खुल नहीं रही, मुझे नम महसूस हो रहा है, मैं अपने लेफ्ट कान से कुछ भी नहीं सुन सकता और मेरे राइट आर्म में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, मैं उसमें जोर भी नहीं लगा पा रहा। इंसान अपनी पूरी ताकत के साथ ज्यादा समय तक नहीं भाग सकते, अगर वो पूरा दम लगाकर भागे तो वो सिर्फ 10 सेकंड तक ही भाग पाएंगे, अगर वो उसके बाद भी मूव करते हैं तो सबसे पहले उनकी स्पीड कम होगी, फिर उनकी टेक्निक की एक्यूरेसी, फिर उन्हें ऐसा लगेगा मानो उनके ऊपर भारी भारी चेन्स को बांध दिया गया है। एक डीमन को थकान नहीं होती, इतने लंबे समय तक इस अपर मून से लड़ना एक चमत्कार की तरह है, क्योंकि मैं ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिन चीजों को मुझे सौंपा गया था वो भविष्य से जुड़ी हुई है, मैं वापस अपने दोस्तों या फिर परिवार को मेरे सामने नहीं मरने दूंगा, मैं उन्हें बचाऊंगा, मैं तांजिरो को बचाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मुझे बचाता। अकाजा को कुछ महसूस होता है, वो सोचता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तुम कौन हो। वो लड़की कहती है, रुक जाइए, चलो दूसरी तरफ चलते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इन लोगों को मारना है। पर क्यों? क्योंकि मुझे ताकतवर बनना होगा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन्हें मार दूंगा। पर क्यों, आपको ताकतवर क्यों बनना है? क्योंकि अगर मैं ताकतवर नहीं होऊंगा तो मैं उन्हें वापस लेकर नहीं जा पाऊंगा। दवाई को मेरे पिता के लिए,
अगर मैं ताकतवर नहीं बना तो मैं पैसों को चुरा कर नहीं भाग पाऊंगा। अगर मैं ताकतवर नहीं बना तो मैं उन लोगों को नहीं मार पाऊंगा जो कि बदले के लिए मेरे पास आएंगे। अगर मैं ताकतवर नहीं बना तो वो मुझे कोर्ट में ले जाएंगे और मुझे मार पड़ेगी। एक जज कहता है, अब ये चोरी की 3 लकीरें हैं, अगर तुमने अभी भी चोरी की तो तुम्हारे हाथों को काट दिया जाएगा। वो लड़का जोर से हंसने लगता है, उन्हें काट दो, अगर तुम काट भी दोगे तो भी मेरे पास मेरे पैर होंगे, मैं अपने पैरों से चोरी करूंगा और अगली बार तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। एक के बाद एक जुर्म, वो भी 11 साल की उम्र में। एक बड़ा आदमी भी 100 कोड़े लगने के बाद नम हो जाता। तुम एक राक्षस हो, वो लड़का सोचता है, हाँ यही कहते रहो, तुमने सही कहा, मैं एक राक्षस हूँ। वो लड़का सोचता है, हाँ यही कहते रहो, मुझे पता है मैं एक राक्षस हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पास 2 नुकीले दांत थे। एक आदमी उसकी तरफ भागते हुए आता है, हाँ कुजी, तुम्हारे पिता ने सुना कि तुम वापस पकड़े गए और उन्होंने फांसी लगा ली, वो मर गए। हाकुजी उनकी ग्रेव पर खड़ा था और उसके हाथ में एक लेटर था। उस लेटर में लिखा था, प्यारे हाकुजी, एक सच्ची जिंदगी जियो, तुम अभी भी बदल सकते हो। मैं उस पैसे पर नहीं जीना चाहता जो कि औरों से चुराया गया हो। इतना बुरा होने के लिए मुझे माफ कर दो। हाकुजी उनकी कब्र को गले लगाकर रोने लगता है। आप गरीब रहकर शांति से कैसे जी सकते हो पिताजी? ये दुनिया भाड़ में जा सकती है, तुम सब लोग भाड़ में जाओ। हमें इतने बुरे हालातों में क्यों जीना पड़ा? मेरे पिताजी को क्यों मरना पड़ा? मैं उनसे परेशान नहीं था, उन्होंने माफी क्यों मांगी? मेरे पिताजी ने कभी भी कुछ गलत नहीं किया था। चुराने के लिए जो सजा मुझे मिलती थी उसमें दर्द नहीं होता था। वो मेरे ऊपर कोड़े बरसाकर मेरी हड्डियों को तोड़ सकते थे, पर मैं आपके लिए कुछ भी सहन कर सकता था पिताजी, भले ये 100 साल तक क्यों ना चलता। एक आदमी उसे कोड़ा मारते हुए कहता है, पश्चाताप करो और एक नौकरी ढूंढ लो। हाकुजी सोचता है, चुप हो जाओ गधे, मेरे पास पैसे नहीं है, दवाई महंगी होती है। मेरे पिताजी की हालत और भी खराब हो रही थी, उनकी हड्डियाँ और भी कमजोर हो रही थी। मैं आपको और भी खाना खिलाना चाहता था ताकि आप और जल्दी ठीक हो जाओ। आपने फांसी क्यों लगाई? मैं आपके लिए मर सकता था पिताजी, सिर्फ आपके लिए। हाकुजी बहुत लोगों को पीट देता है। एक आदमी वहां आकर कहता है, ओ ये काफी अच्छा है, मुझे यहाँ पर बुलाया गया था क्योंकि एक बच्चा मरने ही वाला था, और यहाँ आकर मुझे पता लगा कि 7 बड़े लोगों को एक बच्चे ने अपने हाथों से पीट दिया। तुम्हारी मसल्स काफी अच्छी है, बड़े लोगों के खिलाफ भी तुम बिना किसी हथियार के जीत रहे हो, तुम्हें काफी अच्छा लग रहा होगा। अकाजा सोचता है, ये कौन है, मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या ये मेरी यादें हैं, क्या तुम मेरे डोजो में आओगे, मेरा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। चुप हो जाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारे हाथ के निशान कहते हैं कि तुम एक एडो क्रिमिनल हो, तो तुम्हें एडो से निकाल दिया गया, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो, है ना? तो क्या हुआ, तुम्हारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है? अच्छा ठीक है, पर पहले मुझ पर हमला करो बच्चे। ठीक है ये लो। पर वो आदमी हाकुजी के अटैक को डोज करके उसके ऊपर लगातार हमले करता है। हाकुजी की बुरी हालत थी। फिर वो आदमी उसे अपने डोजो पर लेकर जाता है। तुम सच में काफी स्ट्रांग हो, इतनी मार खाने के बाद भी तुम 1 घंटे में वापस उठ गए। मैं केजो हूँ और मैं एक डोजो चलाता हूँ जिसमें हम उस फाइटिंग स्टाइल को सिखाते हैं जिसका नाम है शोरियू। मेरे पास स्टूडेंट नहीं है, मैं छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीमार बेटी का ध्यान रखो, मुझे काम पर जाना होता है इसलिए मैं ये तुम पर छोड़ना चाहता हूँ। मेरी वाइफ उसकी देखभाल करने की थकान की वजह से मर गई, ये काफी मुश्किल काम है। कमजोर होने की वजह से मैं अपनी बीवी और बेटी के काम नहीं आ पाया। हाकुजी कहता है, क्या तुम्हें अपनी बेटी को मेरे साथ अकेले छोड़ना चाहिए, एक क्रिमिनल के साथ? वेल मिस्टर क्रिमिनल, मैंने कुछ घंटों पहले तुम्हारी जमकर धुलाई की इसलिए अब ये ठीक है। अकाजा सोचता है, ये बिल्कुल उसकी तरह है। अच्छा तो इसलिए मुझे तुम कभी भी पसंद नहीं आए, क्योंकि तुम मुझे वो याद दिलाते थे, मेरा बोरिंग और बहुत ही ज्यादा बुरा अतीत। के जो कहता है, ये रही मेरी बेटी कोयुकी, वो अतीत जिसका कुछ भी मतलब नहीं था, जिसका कुछ भी। पर जब ही वो कोयुकी को देखता है, कोयुकी को देखकर उसे अपने पिताजी की याद आती है। के जो कहता है, तुम सुबह से अच्छी दिख रही हो, क्या अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? ये लड़का मुझे अपना नाम नहीं बता रहा, इसलिए मेरे यहाँ आने से पहले इसका नाम जान लेना। के जो वहाँ से चला जाता है। कोयुकी कहती है, आपका चेहरा, आपको चोट लगी है, क्या आप ठीक हो? अकाजा सोचता है, मैं तुम्हें हर हालत में ठीक कर दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा। मेरी जिंदगी सिर्फ इन खोखले वादों से भरी हुई थी। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 155। हाकुजी सोचता है, बीमार लोग हमेशा माफी क्यों मांगते हैं? तुम्हारा टाइम बर्बाद करने के लिए मुझे माफ कर दो, इतना खांसने के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैं अच्छे से काम नहीं कर सकता। शायद वो लोग अपना काम खुद करना चाहते हैं, पर उनकी खांसी ही नहीं रुकती, कम से कम वो चैन से सांस तो लेना ही चाहते होंगे, और उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता होगा। कोयुकी कहती है, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है कि तुम बाहर जाकर नहीं खेल सकते, ना ही ट्रेन कर सकते,
कोयुकी की बॉडी काफी कमजोर थी, हमें रात में भी उसका ध्यान रखना पड़ता था और मुझे उसके सर की पट्टी और कपड़े बदलने पड़ते थे। उसे लगातार पानी पीना होता था और जब उसे बाथरूम जाना होता था तो मैं ही उसे लेकर जाता था। मैंने अपने पिताजी का भी ध्यान रखा था, इसलिए मेरी बॉडी टफ थी, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं था। हाकुजी कहता है, मैं पहले भी खेलने के बारे में नहीं सोचता था, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं ट्रेनिंग ही करता हूँ, इसलिए चिंता मत करो। पर कभी कभी हमें बाकी चीजें भी ट्राई करनी चाहिए। आज रात को फायरवर्क्स का शो है, इसलिए जाओ, शायद जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें भी ले चलूंगा। हाँ क्या, अगर हम आज नहीं भी जा पाए तो हम अगले साल चले जाएंगे या फिर उससे अगले साल। ये सुनकर कोयुकी रोने लगती है। जो चीज कोयुकी के बारे में मुझे परेशान करती थी वो ये थी कि वो कभी भी रोने लगती थी। हमेशा बिस्तर में होना डिप्रेसिंग होता होगा और उसके आंसू मुझे अनकंफर्टेबल फील कराते थे। के जो कहता है, अच्छा तो जो हाकुजी में हाकु है वो कोमा इनुस्टाइन के कोमा से आता है, फिर तो तुम मेरी तरह हो, तुम्हारे पास भी कुछ है जिसे तुम बचाना चाहते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोमा इनु अपने श्राइन की रक्षा करता है। मेरे मास्टर जो कि एक समुराई नहीं थे, उनके पास ये जमीन और डोजो था। एक बार उन्होंने एक आदमी को गुंडों से बचाया था। मास्टर की शोरियो टेक्निक देखने के बाद उस आदमी ने ये जमीन और डोजो मास्टर को दे दी, क्योंकि उस आदमी के बच्चे नहीं थे। पर कुछ लोगों को ये जमीन और डोजो चाहिए था, इसलिए वो खुश नहीं थे। हमारा पड़ोसी केंजुसु डोजो हमारे शोरियो डोजो को परेशान करता था, इसलिए शोरियो डोजो में कभी भी स्टूडेंट नहीं थे। पर यहाँ पर ट्रेनिंग करना और कोयू का ध्यान रखना, इन सब ने मेरे दिल को ठीक कर दिया। 3 साल के बाद मैं 18 का हो गया और कोयू की 16 की। अब वो पूरा टाइम बिस्तर में नहीं रहती थी, धीरे वो नॉर्मल हो रही थी। के जो कहता है, हाकुजी इधर आओ। ठीक है आया, क्या तुम मेरे डोजो को ले सकते हो हाकुजी, और तुम कोयुकी को भी रख सकते हो। हाकुजी कहता है, हाँ क्या। कोयुकी बिल्कुल शर्मा रही थी। हाकुजी सोचता है, मेरे हाथ में क्रिमिनल की लकीरें थी, मैंने कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचा था, और ऐसे भविष्य के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ पर कोई मुझसे प्यार करता था। शायद पिताजी ने ठीक कहा था, मैं जीने के ठीक रास्ते को ढूंढ सकता हूँ। ये उम्मीद कि मैं अपनी जिंदगी को ठीक कर सकता हूँ वो इतनी बढ़ गई कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया, और उस पल मैं इन दो लोगों को अपनी जिंदगी की कीमत पर भी बचाना चाहता था। मैंने कभी भी जहर के बारे में नहीं सोचा था। मैं पिताजी की कब्र पर गया था उन्हें अपनी शादी के बारे में बताने के लिए, और मैं सूरज डूबने से पहले ही वापस आ चुका था, जब तक मैंने इसे सुना भी नहीं था, और मुझे बुरा महसूस हो रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। एक आदमी हाकुजी की तरफ दौड़ते हुए आता है, किसी ने कुएं में जहर मिला दिया, क्योंकि वो तुम्हें और केजुसान को एक डायरेक्ट फाइट में नहीं हरा सकते थे। वो लोग राक्षस है, ये काफी बुरा है, यहाँ तक कि कोयुकी चान भी मर गई। जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ, जब भी वो मुसीबत में होते हैं मैं कभी भी वहाँ नहीं होता, और मैंने एक वादा किया था। फायरवर्क्स देखते हुए हाकुजी कोयुकी से कहता है, क्या तुम मेरे साथ खुश रहोगी। क्या आपको याद है जब हम बच्चे थे आपने एक बार फायरवर्क्स के बारे में बात की थी। हाँ नहीं, मुझे याद नहीं है, ये आपके और मेरे बीच एक छोटी सी बात थी पर इसने मुझे काफी खुश किया था। अगर हम इस साल फायरवर्क्स नहीं भी देख पाए तो हम अगले साल जाएंगे या फिर उससे अगले साल, ये आपने कहा था। मैंने कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचा था जहाँ पर मैं अगले साल को देख सकूँ या फिर उससे अगले साल को। शायद मेरी माँ भी यही सोचती थी, इसलिए उन्होंने खुद को मार लिया, और पिताजी ने भी कहीं ना कहीं हार मान ली थी क्योंकि मैं कमजोर थी। पर आपने मेरा भविष्य देखा हाकुजी सान, जब आपने अगले साल के बारे में बात की तो मैं खुश थी। आप काफी अच्छे हो हाकुजी सान, क्या आप मुझसे शादी करोगे। हाँ, मैं हर किसी से ज्यादा ताकतवर बनूंगा और पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करूंगा। आखिर में सिर्फ वो खोखले शब्द थे, मैं कभी भी कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद जो हुआ वो एक ऑफिस के रिकॉर्ड में रखा गया। जब शोरियो डोजो की फैमिली को मार दिया गया तो उसके इकलौते स्टूडेंट ने केंजुसु डोजो पर हमला किया और उसके अंदर के 60 लोगों को मार दिया, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। टूटी हुई खोपड़ियां, टूटी हुई हड्डी और मांस के लोथड़े, सभी लाशें ऐसी हालत में थी कि उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता था। बहुत से हिस्से गायब थे, ऐसा लग रहा था मानो ये नर्क हो। टूटे हुए जबड़े और खून और मांस पूरे फर्श पर फैला हुआ था। ये देखकर वहाँ पर काम करने वाली औरत पागल हो गई। ये चीज इतनी बेतुकी थी कि इस पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, और 30 साल के बाद इसके हर सबूत को मिटा दिया गया। हाकुजी खून से लथपथ कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है। वो आदमी कहता है, मैंने यहाँ पर किसी भी डीमन को नहीं भेजा था, इसलिए एक डीमन की कहानी सुनने के बाद मैं यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आकर मुझे सिर्फ एक इंसान मिला, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। हाकुजी कहता है, दूर हो जाओ या फिर तुम मारे जाओगे। हाकुजी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर मुजान अपने हाथ को उसके सर में गाड़ देता है।
मैं 12 स्ट्रॉन्ग डीमंस को बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम इतने खून को सहन कर पाओगे जो कि मैं अभी तुम्हारे अंदर डालने वाला हूँ? हाकू जी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक डीमन बन गया, मेरी यादें चली गई, फिर भी मैं ताकतवर बनना चाहता था। भले ही मेरे पास कुछ भी बचाने के लिए नहीं बचा था, मैं एक ऐसी दुनिया में नहीं जीना चाहता था जिसमें मेरा परिवार नहीं था। इतने सैकड़ों सालों तक मैं एक के बाद एक इंसान को मारता गया और आखिर में ये कहानी किसी भी काम की नहीं है, कोई भी इसे नहीं सुनना चाहेगा। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। डेमन स्लेयर चैप्टर 156। अकाजा सोचता है, मैं मरने के बाद उन तीनों के पास नहीं जा सकता। मुझे मेरा अतीत याद दिलाकर तुमने अच्छा किया। इंसान नर्म और कमजोर, वो मर जाते हैं, वो टूट जाते हैं और उनका कुछ भी नहीं बचता। एकदम से तांजिरो को होश आता है। वो सोचता है, मैं लड़ाई के दौरान भी होश हो गया। अकाजा का सर रिजनरेट कर रहा था। उसका सर वो रिजनरेट कर रहा है, पर मैंने तो उसे काट दिया था। अकाजा कहता है, डिस्ट्रक्टिव किल, ओब्लिट्रेशन स्टाइल। तांजिरो उसकी तरफ बढ़ता है, रुको। अकाजा सोचता है, वो लड़का वो अभी भी मूव कर सकता है। तांजिरो सोचता है, मैं बार बार तुम्हारे सर को काटता रहूंगा, मैं गियुसान के साथ जीतूंगा तुम्हारे खिलाफ अकाजा। पर जब ही तांजिरो का ब्लेड उसके हाथ से छूट जाता है, मेरी कटाना वो मेरे हाथ से छूट गई, मेरी ग्रिप में अपने हाथों में ताकत नहीं डाल पा रहा। जब ही वो अकाजा को पंच करता है, इस पंच से अकाजा को खेजो की याद आ जाती है। एक नई जिंदगी जियो लड़के। अकाजा सोचता है, मुझे कमजोर लोगों से नफरत है। कमजोर लोग, वो कभी भी सीधा नहीं लड़ते, वो कुएं में जहर मिला देते हैं। मुझे उनसे नफरत है, कमजोर लोगों से। उनके अंदर पेशेंस नहीं है, जो उन्होंने बोया है वो वही काटेंगे। मैंने इन बचाने वाले हाथों से लोगों को मारा है, मैंने मेरे मास्टर के फाइटिंग स्टाइल को खून से रंगा है। मैं अपने पिताजी के आखिरी शब्दों की कदर नहीं कर पाया। हाँ ये ठीक है, मुझे पता है मुझे किसे मारना है। तांजिरो सोचता है, नहीं, मेरा ब्लेड मेरे हाथ से छूट गया, मैं अपने हाथों से उसे नहीं रोक सकता। अकाजा उसी डिस्ट्रक्टिव स्टाइल का यूज करने वाला है जो उसने रेंगोकुसान के खिलाफ किया था। गियुसान भी उसकी रेंज में आ जाएंगे। और गियू कहता है, मेरे बारे में चिंता मत करो। तांजिरो गियू को उसकी रेंज से दूर लेकर जाने की कोशिश करता है, पर जब ही तांजिरो देखता है कि अकाजा स्माइल कर रहा था, ये देखकर तांजिरो बिल्कुल हैरान था। अकाजा ने खुद के ऊपर ही हमला कर लिया था। तांजिरो सोचता है, उसने खुद के ही हमले से। अकाजा की बिल्कुल बुरी हालत थी, उसने खुद के ऊपर हमला क्यों किया, क्यों? एक पल के लिए मुझे ऐसा स्मेल हुआ मानो अकाजा थैंक यू कहना चाहता हो। उसने स्माइल क्यों किया, पर अकाजा वापस रिजनरेट करने लगता है। अकाजा सोचता है, बस रुक जाओ, अब रिजनरेट मत करो, ये मैच खत्म हो गया, मैं हार गया, मैं उसी पल हार गया था। उसने मुझे सीधे सीधे हराया, वो टेक्निक काफी अच्छी थी। उसने मेरे अटैक को पढ़ लिया और मेरे हमला करने से पहले उसने हमला कर दिया। ये खत्म हो गया, मैं बस अब नर्क में जाना चाहता हूँ। अकाजा कहीं पर चलने लगता है। तांजिरो सोचता है, वो कहाँ जा रहा है? ओ वो रुक गया। अकाजा को उसके पिताजी दिखते हैं। पिताजी, क्या अब आप ठीक है? क्या अभी भी आपको दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ हाकू जी, तुम्हारा शुक्रिया। अकाजा नीचे गिर जाता है। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैं खुद को सुधार नहीं पाया, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। वो उसके सर पर हाथ रखते हैं, इसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। भले ही तुम कुछ क्यों ना बन जाओ, एक बेटा ही रहेगा और एक स्टूडेंट। अगर तुम मर भी जाओगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब वहाँ पर केजो था। हाँ, पर हम तुम्हें स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकते। हाकू जी रोने लगता है, मास्टर। पर जब ही वो उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है, अब वहाँ पर मुजान था। क्या तुम ताकतवर नहीं बनना चाहते थे? क्या तुम इसे यहीं पर ही खत्म होने दोगे? अकाजा, हाँ ये सही है, मुझे ताकतवर बनना है, और भी ताकतवर। क्या हुआ अगर मेरा सर कट गया तो? जीत या हार ये मायने नहीं रखती, मैं इन सबको मार दूंगा। मैं अभी भी ताकतवर बन सकता हूँ, मुझे अपना वादा निभाना होगा। पर जब उसे कोयुकी दिखती है, हाकू जी सान शुक्रिया, आपने बहुत कुछ कर दिया है, ये ठीक है, अब ये ठीक है। पर जब उसे मुजान दिखता है, अकाजा रो रहा था। वो कोयुकी को गले लगा लेता है। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर दो कि उस पल मैं वहाँ नहीं था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं एक भी वादा नहीं निभा पाया, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं खुश हूँ कि आपने हम सबको याद रखा, और मैं खुश हूँ कि आप वापस हाकुजी सान बन गए। आपका फिर से स्वागत है मेरे हस्बैंड। उसी पल अकाजा की रीजनरेशन रुक जाती है। तांजिरो उसे ही देख रहा था। फाइनली अकाजा राख बन जाता है। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है।